तब शास्त्र और शस्त्र उठाने पड़े हैं। मुझे पता होता कि तुम डिबेट में आ रहे हो तो मैं वो भगवान धारण करके और वो फरसा लेके मैं बैठता जरूर। आपके भी सारे ये सब आप यहाँ भी, यानी कि यहाँ भी आप प्रचार करने के आ चुके हैं, प्रचार करने के लिए पहाड़ टीवी के मंच पे, कि जिन लोगों को आप कहीं ना कहीं ये प्रेरित करना चाहते हैं कि वो यीशु मसीह है। एक बड़ी डिबेट, एक बड़ी चर्चा आज होने जा रही है उत्तराखंड में, वास्तव में उत्तराखंड के पहाड़ों में। क्या बहुत तेजी से जो हिंदू धर्म से जुड़े लोग थे वो ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो विनोद कुमार ने हमारे साथ साझा किया, विनोद कुमार ने सोशल मीडिया पर डाला और हमें मिला, उसके बाद जो है इस पर चर्चा शुरू होगी। देवभूमि है तो हम देवी देवताओं में पहले बिलीव करते थे, हम उनको उनकी आराधना करते थे, और ये सब छोड़ के और हम आज परमात्मा यीशु मसीह के पर स्तुति भजन करते हैं, उसकी अगुवाई उसके रास्ते पर चलते हैं, और परमात्मा हमें अच्छा भला चंगा कर चुका है। पहले हम बहुत दुखी परेशानी थे, इन देवी देवताओं के चक्कर में बहुत परेशान थे हम, मतलब ऐसा कोई दिन नहीं होता कि जिस दिन हम परेशान नहीं होते थे इनके चक्कर में, लेकिन आज हम परमात्मा के वचनों में आके और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हुए हम क्या आज सुखी सुख हैं, एकदम सुखी। प्रभु मसीह पे विश्वास करें, प्रभु मसीह पे विश्वास करें, प्रभु मसीह में एक विश्वास। आज के पूरी डिबेट में हमारे साथ विनोद कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जो है आचार्य शंभु प्रसाद पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीताराम रनकोटी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ इसके अलावा प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रकाश डायनामाइट मैंदोली हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत आज पूरी डिबेट में। विनोद, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, पिछली बार भी एक बड़ी चर्चा हुई थी, आपने इस बात पर बड़े सवाल उठाए थे कि आखिर क्यों ना लोग जो है हिंदू धर्म से और ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो, क्या पूरा कारण है, क्यों लोग तेजी से जो है हिंदू धर्म से और ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, क्या बड़ा कारण मानते हैं? विनोद, तो सबसे पहले तो आप सबका अभिवादन, जितने भी लोग मौजूद हैं उन सबका, 3 साल हो गए ऑलमोस्ट, लेकिन फिर से एक बार मौका दिया परमेश्वर ने। तो जो आपका सवाल है, देखिए सबसे पहली बात तो मैं ये समझता हूँ कि कोई भी इंसान कौन से धर्म में जा रहा है, या मैं इसको धर्म तो बोलता ही नहीं हुआ, बोलता हूँ मैं कहता हूँ आस्था है, कोई भी इंसान किस पर आस्था रखता है ये उसकी पर्सनल चॉइस है, है ना। और अगर चाहे वो हिंदूज हैं, चाहे वो मुस्लिम्स हैं, चाहे वो क्रिश्चियंस हैं, कोई भी लोग हैं, उनकी आस्था किसी पर भी है, मैं समझता हूँ हर किसी को पूरा अधिकार है, पूरी आजादी है कि वो किसी भी ईश्वर की उपासना कर सकते हैं, किसी को भी मान सकते हैं, किसी के साथ भी जो है वो जा सकते हैं, चाहे वो मंदिर जाएं, चाहे वो मस्जिद जाएं, चाहे वो चर्च जाएं, चाहे वो किसी भी जगह पर जाएं, है ना। तो अब उत्तराखंड के लोगों की यदि बात है, तो अगर हम जो है एक अच्छा संदेश, कोई भी अच्छी बात, वो बाइबल का एक संदेश है, मैंने बाइबल पढ़ी है, मैं बाइबल का मैसेज लेकर जाता हूँ, मैं बाइबल का मैसेज लोगों के पास लेकर जाता हूँ, मैं लोगों को कहता हूँ बाइबल में जो है अच्छी बात लिखी है, ज्ञान की बात लिखी है, बाइबल में जो जिस प्रभु के बारे में, जिस ईश्वर के बारे में बताया गया है, एक ईश्वर जो है वो राम भी है, एक ईश्वर जीसस क्राइस्ट भी है, एक ईश्वर साईं बाबा भी है, ऐसे ही दुनिया में बहुत सारे अलग अलग देशों में बहुत सारे ईश्वर हैं, है ना। तो मैं एक ईश्वर का जो है नाम लेकर जाता हूँ, और कुछ लोग जो है मेरी बात पर यकीन लाते हैं, वो कहते हैं ठीक है हमें आपकी बात अच्छी लगी, हम आपकी बात को मानते हैं, तो मैं कहता हूँ इसमें आपत्ति क्या है, इसमें प्रॉब्लम क्या है, इससे डर किस बात का। यही बात जब हम देखते हैं यूरोपियन देशों में, जब वहां पे लोग जो है कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है आजकल जो है बहुत हम देखते हैं बहुत पॉपुलर है, बहुत सारे लोग क्रिश्चियंस जो है वो, लेकिन सवाल आपसे है विनोद, सवाल आपसे है विनोद, विनोद विनोद सवाल आपसे ये है विनोद, आपसे बड़ा सवाल ये है कि आप पहले हिंदू थे, आपने अचानक जो है क्यों आपको क्रिश्चियन बनना पड़ा, क्या इसके पीछे बड़ा कारण रहा, थोड़ा सा क्योंकि संक्षेप में बताएंगे, इसके अलावा हमारे साथ और भी मेहमान हैं उनसे भी हम लोग बातचीत करेंगे कि आखिर आप पहले हिंदू थे और अचानक से आप क्रिश्चियन बन गए, इसके पीछे बड़ा कारण क्या है? शॉर्टकट में बताऊंगा छोटे में, मैं कभी भी हिंदू था ही नहीं। हिंदू होने का मतलब क्या, हिंदू होने के मायने क्या है, यदि हम हिस्ट्री में थोड़ा सा जाएं तो हिंदू वास्तव में एक गाली है। मेरी आस्था थी उनके ऊपर जिनको मेरे पूर्वज मानते थे, मेरे पिता, मेरे दादा, लेकिन जब कुछ समय बाद जब मेरी समझ विकसित हुई, मैंने बाइबल पढ़ी, मैंने जीसस क्राइस्ट के बारे में जाना, मैंने देखा कि जीसस क्राइस्ट से एक शांति का राजकुमार है, और जो जिनकी मैं बचपन से उपासना करता आया हूँ वहां पर अशांति है, मार काट है और वो सारी चीजें हैं, जब दोनों में तुलना करी
तो मुझे जीसस क्राइस्ट जो है वो ज्यादा जो है वो प्रभावशाली लगे, और मैंने अपने पूर्वजों की आस्था को छोड़कर मैंने अपनी आस्था जीसस क्राइस्ट पर लेकर आया, सिंपल इज दैट। चलो विनोद, बिल्कुल मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि सभी अन्य मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी हमारे साथ सीताराम रनकोटी जुड़े हुए हैं। सीताराम रनकोटी जी, पिछली बार भी इस बार एक बड़ी चर्चा, बड़ी बहस हुई थी कि आखिर में ये सब कुछ चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, इस पर आपकी एक प्रतिक्रिया फटाफट चाहिए कि वास्तव में ये जो सब कुछ घटनाक्रम घट रहा है उसको लेकर आप क्या कहेंगे। सीताराम रनकोटी जी। जय बद्री विशाल, जय परशुराम, धन्यवाद नवल भाई। मैं तो पहले विनोद भाई कहूं या क्या कहूं, क्योंकि इसका और मेरा 36 का आंकड़ा है। मैं आपके वीडियो के माध्यम से कह रहा हूं, आपके लाइव के माध्यम से कह रहा हूं। इन्होंने कहा कि मुझे हिंदू धर्म में, मैं हिंदू नहीं हूं। आप हिंदू नहीं हैं, चलो अच्छी बात है आप हिंदू नहीं हैं, लेकिन आपको अधिकार किसने दिया कि हमारे देवी देवताओं का आप अपमान करें। अगर आपके क्रिश्चियन इतने ही पूजनीय हैं तो उन पे कीले क्यों ठोकी गई, मुझे बताओ। पहले किसी पे कीले क्यों ठोकी गई, हमारे तो किसी भी हिंदू धर्म में किसी भी देवी देवता पे कीले नहीं ठोकी गई, वो तो खंभ से प्रकट हुए, कोई समुद्र से प्रकट हुआ। यीशु मसीह कहां से प्रकट हुआ और कहां विलुप्त हुआ? सबसे पहले विनोद भाई आपकी बात, ये आपने कहा मैंने बचपन से हिंदू धर्म में मारकाट है, आप मुझे बता दो पहाड़ों में मारकाट कहां है? हमारे पहाड़ों में चंद्रवदनी का मंदिर है, उसी के बराबर में पहाड़ों में एक ही जगह है जहां कब्रिस्तान है, वो भी चंद्रवदनी मंदिर के बराबर में। आज तक वहां पे कितनी मारकाट हुई तुम मुझे बता दो, आज तक तो वहां कोई मारकाट नहीं हुई। फिर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि हिंदू धर्म में मारकाट है? हिंदू धर्म में मारकाट तब है जब हमारे सनातनियों के ऊपर अत्याचार हुआ है, तब शास्त्र और शस्त्र उठाने पड़े हैं। मुझे पता होता कि तुम डिबेट में आ रहे हो तो मैं वो भगवान धारण करके और वो फरसा लेके मैं बैठता जरूर, और हाथ में कमंडल भी होता, आपको भी पता है। रनकोटी साहब मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि अन्य मेहमान भी जुड़े हुए हैं, एक बार फटाफट सबकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं क्योंकि बहस अभी लंबी चलनी है और बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, लगातार देख भी रहे हैं। क्योंकि आजकल आपको बता दें, जितने लोग देर से जुड़े हैं आपको बता दें कि आजकल एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें कि कुछ हिंदू लोग जो कि कह रहे हैं कि वो पहले हिंदू थे और अचानक से वो ईसाई बन गए हैं और अब उन्हें कहीं ना कहीं सुकून मिल रहा है। पुराने समय में जब वो हिंदू थे उस समय देवी देवताओं को लेकर भी उनकी बातें सुनी जा सकती हैं। हमारे साथ आचार्य शंभू प्रसाद पांडे जी हैं, इस वक्त इस पूरी चर्चा में जुड़े हुए हैं। आचार्य शंभू प्रसाद पांडे जी बहुत स्वागत है सर आपका। एक बड़ी चर्चा है कि वास्तव में आखिर ऐसा क्या कारण है कि बहुत तेजी से कुछ लोग पहाड़ों में हिंदू धर्म छोड़कर और ईसाई धर्म अपना रहे हैं, इस तरह के वीडियो भी वायरल हो रहे हैं और उनका ये मानना है, उनका तर्क है कि हिंदू धर्म में जब तक वो थे तब तक वो बहुत परेशान रहे लेकिन ईसाई धर्म अपनाने के बाद वो कहीं ना कहीं खुश हो गए, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं शंभू प्रसाद पांडे जी? खाली जी, सबसे पहले आपके पहाड़ टीवी को, आप सभी को मेरा जय बद्री विशाल। देखिए खाली जी, सबसे पहले तो ये है जो ये विनोद कुमार भाई बोल रहे हैं, जिन्होंने भी ईसाई धर्म अभी अपनाया है, या हमारी सर्वप्रथम कमी मैं मानूंगा अपने सरकार की। क्यों कमी मानूंगा? क्योंकि जो ईसाई धर्म अपनाने वाले हैं इनका कोई चमत्कार नहीं हुआ है, ये पैसों के लिए ईसाई धर्म अपनाया है इन्होंने। इनकी पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं थी, इनके बाप दादाओं ने भगवान को पूजा है, राम कृष्ण के ये भक्त हुए हैं, और इन्होंने जो है इनको जिसने मदद करी इनने अपना बाप ही बदल दिया, अपना धर्म ही बदल दिया। सीधी सी बात है, इनको अभी इतना मालूम नहीं है कि हिंदू धर्म कहाँ से प्रकट हुआ है, ईसाई धर्म कहाँ से प्रकट हुआ है। ये जो बोले मैंने बाइबिल पढ़ी हुई है ना, तो एक एक पेज में आपको इनको पता, मैं अफ्रीका युगांडा वगैरह कई कृष्णों के बीच में रहा हूं, और वृंदावन में जो है ना जिन्होंने 50-50 साल ईसाई बन के रही, आज वृंदावन में राधा राधा जप रहे हैं। पहली बात तो यह है कि ये रुपयों के लिए अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, और हमारे इधर भी ये नंदा नगर में भी क्या है, ईसाई लोगों ने यहाँ पे एक आश्रम बना रखा है, ये गरीबों की मदद करते हैं। अब जिसको खाना पीना मिलेगा वो उसी का गुणगान गाना शुरू कर देते हैं,
इनका कोई कोई इन्होंने बाइबिल पढ़ के या कोई ईसाई धर्म क्या, अगर इन्होंने अगर कुछ पढ़ा रहता तो हिंदू धर्म क्यों नहीं पढ़ा इन्होंने? इनको पूरा पता चल जाता है अपने भागवत में क्या लिखा है, देवी भागवत में क्या लिखा है, 18 पुराणों में क्या लिखा है। इनको ये पूछो पहले तुम संसार के पहले स्त्री पुरुष कौन है, तुम्हारी उत्पत्ति कहाँ से हुई। अगर ये उत्तर दे देगा विजय कुमार, ये विनोद कुमार उत्तर दे देगा, मैं मान जाऊंगा इसके लिए। ये संसार का पहले स्त्री पुरुष बता दे। समूह प्रसाद पांडे जी, मैं आपके पास आऊंगा सर, क्योंकि प्रकाश डायनामाइट जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक प्रतिक्रिया हम लोग विनोद कुमार की जान लेते हैं। विनोद कुमार जी, आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर सीधे सीधे, कि क्या वास्तव में पैसा लेकर के हिंदू धर्म से लोग ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है जो ये आरोप लग रहे हैं विनोद कुमार? देखो जी, ये तो सरासर बेवकूफी है। पैसे से आप कभी भी किसी इंसान का ईमान नहीं खरीद सकते। खुद ही थोड़ा कोई समझदार इंसान होगा ना, तो वो थोड़ा सा समझ दिमाग लगा के समझ जाएगा कि पैसा। तो आपसे ज्यादा ईमानदार तो आपके पिताजी रहे होंगे, उन्होंने अपना ईमान क्यों नहीं बेचा? मुझे बात पूरी तो करने दो। पैसा लेके कोई किसी का ईमान नहीं खरीद सकता। आज किसी को पैसे दिए, वो पैसा भी लेता रहेगा और साथ ही साथ वहां भी कोई जिंदगी भर देख तो सकता नहीं कि वो मंदिर जा रहा है या चर्च जा रहा है। तो पैसे से तो ये तो सरासर इलॉजिकल बात है, जिसके पीछे कोई जो है वो तर्क नहीं। कोई भी समझदार पढ़ा लिखा इंसान इस बात को जो है वो कभी भी नहीं बोलेगा कि पैसा देके। पूरी दुनिया को कौन पैसा दे सकता है? पूरा हिंदुस्तान बदल चुका है, आधे से ज्यादा उत्तराखंड बदल चुका है। किस किस को पैसा और कितना पैसा दे सकता है कोई? अरे वो जो वो नाम मर्द बदले हैं, वो नाम मर्द जो काम करना नहीं आता, जो पैसे पैसे जिसको पता होगा, जो पैसे लेकर के अपने जिंदगी बदल रहे हैं, पैसे के लिए धर्म बदल रहे हैं। थाना देवप्रयाग में, विनोद कुमार जी आप मेरी बात सुनिए, आपके ऊपर मैंने थाना देवप्रयाग में लॉकडाउन में एफआईआर दर्ज करवाई थी। सीताराम रणकोटी जी, सबको माइक विनोद कुमार जी से मैं पूछ रहा हूँ की मैंने एफआईआर दर्ज करवाई थी और विभिन्न धाराओं में आपके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें एविडेंस भी रहे, आपको पता नहीं चला, हरपुर के प्रधान भी रहे, आपको पता नहीं चला, आप लोग आए वहाँ, आपका मोबाइल भी जब्त कर लिया गया था, उसके बाद आपने कुछ पोस्टें हटा दी सोशल मीडिया से। अगर आपको डर नहीं था तो आपने पोस्टें क्यों हटाई? चलिए उस बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, उस बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे। विनोद जी, सुजय जी को ये बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह जी कोई भगवान नहीं थे, प्रथम शताब्दी के एक धार्मिक विचारक थे। अब धार्मिक विचारक थोड़ा पॉपुलर हो गया तो उसे चंद लोग भगवान मानने लग गए, वो भी वहां पर जहां पर इनकी संस्कृति है। हमारे यहाँ पे तो इनका कोई वो है नहीं, चंद गरीबों का फायदा ये लोग उठा रहे हैं। किसी अमीर को तो मैंने भंगते देखा नहीं आज तक अपने पहाड़ में, कि जिन जो इनके विचारों से प्रभावित हुआ होगा। नवल जी, मैं सिर्फ तब बोलूंगा जब आप मुझे बोलने के लिए इजाजत देंगे, मैं किसी के बीच में नहीं बोलूंगा। बस बोलो जी भाई जी। हाँ विनोद जी, पहले तो आप हिंदू रह गए, फिर आप अपने धर्म का वो कर सकते हैं, बट ये हमारे धर्म का वो नहीं कर सकते। पिछली बार मेरा इंटरनेट खराब था, आज नवल जी का इंटरनेट खराब। चलिए सवाल मैं कर लेता हूँ आपसे जब तक नवल जी नहीं आते। कर लीजिए जनाब, कर लीजिए सर, कर लीजिए, आपके सवालों के जवाब देने के लिए तो बैठे हैं। हाँ, मैं अगर गढ़वाले में पूछूं आपसे, तो आप अपने जन्म भूमि जो आपके ग्राम सभा मुनेट है, आप कितने समय से अपनी ग्राम सभा में नहीं आए हैं, और क्या ऐसा कारण है कि अगर आप लोग आते हैं तो आप छुपके आते हैं और छुपके चले जाते हैं? छुपके नहीं आता जनाब, मेरे पेज पर जाके देखिए, जितनी बार भी गया हूँ लाइव बोला है मेरे पेज पर जाकर, इस रास्ते से जा रहा हूँ, इस जगह जा रहा हूँ, मेरे पेज पर जाकर देखो आप मेरे, मैं आपके पेज पे कभी कभी चला जाता हूँ, देखता रहता हूँ आपको, लेकिन आप लगता है मेरे पेज पे जाते नहीं है, मैं छुपके कभी कोई काम नहीं करता। मुझे पता है दिखाई नहीं देते हो आप ना, आप अंतर्यामी थोड़ी है सर, जो आप सब जगह मुझे देख पाओगे। उत्तराखंड बहुत बड़ा है, मैं पूरे उत्तराखंड हर 15 दिन में मेरा मैं सिर्फ अपने जहाँ मैं रहता हूँ, मैं जिस जगह पे मैं रहता हूँ, मैं उस जगह की बात कर रहा हूँ जहाँ आपकी जन्मभूमि है। अगर आपने वहाँ 100 बनाए हैं तो 100 के 100 टूट चुके हैं। मैं अपने घर भी आता हूँ, मेरा घर टूटा हुआ है, आपको पता ही है मेरा घर टूटा हुआ है, लेकिन मेरा ऑफिस है ना, मैं आपको बताऊँ, मेरा ऑफिस पौड़ी में है, मेरा ऑफिस पौड़ी में है, मेरा स्टूडियो पौड़ी में है, मेरा रिकॉर्डिंग स्टूडियो पौड़ी में है, उस स्टूडियो पौड़ी के स्टूडियो में मैं क्रिश्चियन गीत बनाता हूँ, और मेरे 2 गीत निकल भी चुके हैं। अगर आपने सुना होगा मेरे उत्तराखंडी भाई बहनों, यीशु मसीह पर विश्वास करा, वो गाना उसको कम से कम 1000 लोग देख चुके हैं उत्तराखंड के। आप खबर नहीं रखते हैं, इस करके आपको है नहीं जानकारी, लेकिन हम तो रखते हैं, हमें पता है। अच्छा विनोद 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 कुमार जी, मैं तो
विनोद कुमार जी, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं भैया? हाँ जी, हाँ जी, शंभू प्रसाद विनोद कुमार जी। जी जी विनोद कुमार जी, आप एक चीज बताओ, आप आपने आपने ये ईसाई धर्म कितने सालों से फॉलो कर रहे हैं आप? मैं ईसाई धर्म फॉलो नहीं कर रहा शंभू प्रसाद जी, मैं जीसस क्राइस्ट को फॉलो कर रहा। मुझे ईसाई धर्म से कोई संबंध नहीं है, मुझे ईसाई धर्म से कोई लेना देना नहीं। और आपके पिताजी क्या करते थे? आपके पिताजी किन देवी देवताओं की पूजा करते थे? मैं ईसाई धर्म का प्रचार नहीं करता हूँ, मैं जीसस क्राइस्ट यीशु मसीह का प्रचार करता हूँ। ये बड़ी विरोधाभासी बातें हैं कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि मैं ईसाई धर्म को नहीं मानता, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि मैं जो जीसस क्राइसिस हैं उनके उनके प्रति मेरे मन में सम्मान है। ये दो तरह की अलग अलग बातें हैं कि यदि कोई व्यक्ति कहे कि मैं भगवान भोलेनाथ को नहीं मानता, भगवान भोलेनाथ को मानता हूँ और हिंदू धर्म में से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये बिल्कुल उसी तरह की कहीं ना कहीं बात है। इस बात पे क्या कहना चाहेंगे कि आप कह रहे हैं कि ईसाई धर्म को से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं जीसस क्राइसिस को मानता हूं। नवल जी, मैं यही कह रहा हूं आपको कि आपको पता ये बात आपको अटपटी क्यों लग रही है, क्योंकि आप लोग बाहर खड़े होके देख रहे हो, आप लोग जिस जगह पर हो ना वहां से आपको अंदर का कुछ नहीं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा अंदर आओगे ना, आप मैं आपको कह रहा हूं बड़े प्रेम से, बड़े सद्भाव से, बड़े आदर सम्मान से आपको कह रहा हूं, बिल्कुल भी इसमें कोई भी आप मेरी बात का बुरा ना माने, आप अपने जीवन में एक बार ना बाइबल पढ़कर देखिए उसकी शिक्षाएं क्या हैं। मैं आपसे वादा करता हूं आप भी उसकी शिक्षाओं की तारीफ करोगे, बुराई नहीं करोगे। मैंने गीता पढ़ी है, मैं अभी भी गीता पढ़ता हूं, मैं अभी भी रामायण पढ़ता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है पढ़ने में, लेकिन मैं शिक्षाएं उसी की फॉलो करता हूं जो मुझे लगता है कि मेरे लिए और समाज के लिए अच्छी है। आप समझ रहे हैं, जब आप अभी आपने बाइबल पढ़ी नहीं है इस करके अभी बात कह सकते हैं, पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। तो एक चीज ये बताओ विनोद जी, आपने ये पढ़ करके क्या क्या अच्छा किया उत्तराखंड में? थोड़ा दो चार अच्छा काम बताओ तो आप अपना, जो जनता तक पहुंच गया, सब लोगों तक, तुम्हारे इस अच्छाई जानने के बाद क्या क्या अच्छा हुआ थोड़ा बताओ तो। जी जी जी, मैं आपको बताता हूँ, आप मेरी एनजीओ कितनों का भला किया आपने, थोड़ा ये बताओ तो। मेरी एनजीओ का नाम है आदि समर्थ फाउंडेशन। मैंने एनजीओ इसलिए बनाई ताकि मैं जरूरतमंदों की मदद कर सकूं। मेरी कमाई से जितना मैं जिस चाहे मैं नौकरी से, मेरे काम से, चाहे वो यूट्यूब से, मेरे पास जो भी पेमेंट आती है एनजीओ है, उस एनजीओ के अंतर्गत हम लोगों के घर जाकर उनको खाना देते हैं। माना तो हिंदू धर्म में अच्छा काम नहीं होता है। आप 2008 से मेरे पास में लगभग 300 विधवाएं हैं, उनके बच्चे आज फौज में चले गए, मैं उनके, और मेरे पास 330 गाय आवारा है। तो क्या हिंदू धर्म में रह करके आपको, क्या आपके बाप दादा ने हिंदू धर्म माना, क्या वो अच्छा नहीं कर पाए? इसके लिए कोई धर्म बदलना पड़ता है? ये ट्रस्ट से ये पूरा 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 विनोद कुमार, तुम कुल मिला के मैं ब्राह्मण आदमी, तुम अपने नरक जाने की बात कर रहे हो और दूसरों को भी नरक में धकेल रहे हो। शंभू प्रसाद पांडे जी, सर शंभू प्रसाद पांडे जी, एक बार सिर्फ जीसस क्राइस्ट को पता है और किसी को नहीं पता, स्वर्ग का मार्ग सिर्फ जीसस क्राइस्ट को पता है। जी विनोद जी, विनोद जी एक बार जो है इस बात का लोग उत्तर जानना चाहते हैं, क्या विनोद ने ईसाई धर्म अपना लिया है? क्या विनोद ने ईसाई धर्म अपना लिया है? मुझे ये बताइए नवल जी, आपको, आप किसी इंसान ने ईसाई धर्म अपना लिया आप कैसे उसकी पहचान करेंगे? मुझे इस बात का एक बार जवाब दे दीजिए। आपसे सवाल है क्योंकि लोग जो है आपके वीडियो को देखकर, जिस हिसाब से आप वीडियो बनाते हैं, लोगों से ये कहलवाते हैं कि, लोगों से आप ये कहलवाते हैं कि कहीं ना कहीं वो पहले जब हिंदू धर्म में थे वो काफी परेशान थे, देवी देवताओं से वो परेशान थे, बहुत ही ज्यादा वो जब परेशान हो गए तो यीशु मसीह की शरण में आ गए और अब वो खुश हो गए। इस बात के पीछे कोई ना कोई तर्क जरूर होना चाहिए विनोद जी, क्योंकि आप भी एक पढ़े लिखे समाज का एक अभिन्न अंग है, क्या वास्तव में आपने भी ईसाई धर्म अपना लिया है? इस बात को भी लोग जानना चाहते हैं। सर देखिए, पहली बात तो ये कि आपने बोला मैं कहलवाता हूँ, मैं कहलवाता नहीं हूँ, लोग कहते हैं, मैं सिर्फ उनकी बातें दुनिया के सामने लेकर आता हूँ क्योंकि मेरे पास प्लेटफॉर्म है, मैं लोगों की बातें लोग दुनिया के सामने लेकर आता हूँ। अगर मैं उनसे कुछ कहलवा रहा हूँ तो तब तो आप वहाँ जाकर उनसे कुछ और कहलवा सकते हैं। आप पर आरोप है, सोशल मीडिया पर आरोप है कि विनोद कुमार स्क्रिप्टेड पूरा वीडियो बनाते हैं। विनोद कुमार जी आपके ऊपर आरोप है, सोशल मीडिया पर लोग लिखते हैं कि विनोद कुमार जिस घर में भी वीडियो बनाते हैं स्क्रिप्टेड होता है, लोगों से ये कहलवाने की कोशिश की जाती है कि जब वो हिंदू धर्म में थे वो बहुत ही खराब धर्म था, वो बहुत नाखुश थे, बहुत परेशान थे, देवी देवताओं से परेशान थे और अब वो ईसाई धर्म में आ चुके हैं, वो पूरी तरह से खुश हैं, आनंदमय जीवन जी रहे हैं। कहीं ना कहीं
अगर मैं स्क्रिप्टेड बना रहा हूं तो 3 साल हो चुके हैं उस बात को, क्यों एक्सपोज नहीं किया गया, क्यों आप कैमरा माइक लेके उनके पास नहीं गए और असल तस्वीर सबके सामने, देखो विनोद झूठ बोल रहा है, देखो यहाँ पर सच्चाई ये है, बहुत आसान है एक्सपोज करना तो अगर मैं स्क्रिप्टेड वीडियो बना रहा हूँ तो। चलिए जितने लोग देर से जुड़े हैं एक बार वो वीडियो हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं, क्या वास्तव में ये स्क्रिप्टेड वीडियो है या नहीं, इस बात की भी कहीं ना कहीं सच्चाई एक बार दोबारा उस वीडियो को हम लोग देख लेते हैं। जी देवभूमि है तो हम देवी देवताओं में पहले बिलीव करते थे, हम उनको उनकी आराधना करते थे और ये सब छोड़ के और हम आज परमात्मा यीशु मसीह के स्तुति भजन करते हैं, उसकी अगुवाई उसके रास्ते पर चलते हैं और परमात्मा हमें अच्छा भला चंगा कर चुका है। पहले हम बहुत दुखी परेशानी थे, इन देवी देवताओं के चक्कर में बहुत परेशान थे हम, मतलब ऐसा कोई दिन नहीं होता कि जिस दिन हम परेशान नहीं होते थे इनके चक्कर में। चलिए तो ये वीडियो आप देख रहे हैं कि छोटे बच्चे से भी आप बुलवा रहे हैं, विनोद जी छोटे बच्चों से भी आप लगातार इस बात को बुलवा रहे हैं, और एक व्यक्ति जो कह रहे हैं कि आज तक वो हमेशा परेशान रहे, जीवन भर परेशान रहे और जैसे ही उन्होंने ईसाई धर्म अपनाया प्रभु यीशु में उनका विश्वास बढ़ा और वो खुश हो गए, आनंदमय जीवन जीने लगे। इस बात के पीछे कहीं ना कहीं लॉजिक जरूर होना चाहिए विनोद जी, कि आखिर क्या कारण है कि एक दिन में ही व्यक्ति आनंदमय जीवन जीने लगा और जब वो हिंदू धर्म में था वो हमेशा ही हमेशा परेशान था। विनोद इसका सबसे बड़ा कारण पता क्या है कि एक तो मेरे जो खुद मैं अपनी लाइफ को बताता हूँ, किसी का छोड़ो उनका अलग है, मैं अपना बताता हूँ, मैं ना खुद ये सब देवताओं को बकरा काटो कभी इतना करने के बाद भी, पूजा अर्चना करने के बाद भी, आज फलाना देवता लग गया, कल फलाना देवता लग गया, वो भूत पिशाच लग गया, वो लग गया, शनि हावी हो गया, मंगल हावी हो गया, बुध हावी हो गया, संडे मंडे पता नहीं क्या क्या हावी होता था, तो ये सबसे मैं खुद इतना परेशान आ गया था। और जब मैं तो इतना शुक्र मनाता हूँ परमेश्वर का, परमात्मा का, कि मुझे ये रास्ता मिला कि अब कोई शनि वनी, मेरे ऊपर शनि की 7.5 ये सब बहुत प्रभाव होते थे, लेकिन जब से यीशु मसीह पर विश्वास किया अब कोई शनि वनी, कोई जादू टोना, तंत्र मंत्र, खुद रणाकोटी जी ने भी मुझे चैलेंज किया था शायद के भाई तंत्र मारेंगे, देवता घात करेंगे, पता नहीं क्या क्या करा था, कुछ नहीं हुआ, तो मेरे भाई ये सब चीजें काम नहीं करती। तो उत्तराखंड वासियों से मैं कहना चाहता हूँ जो वीडियो देख रहे हैं, अगर आप इनसे परेशान है, जीवन में एक बार यीशु मसीह पर विश्वास करिए, आपके भी सारे यहाँ भी आप प्रचार करने के आ चुके हैं, प्रचार करने के लिए पहाड़ टीवी के मंच पे, कि जिन लोगों को आप कहीं ना कहीं ये प्रेरित करना चाहते हैं कि वो यीशु मसीह में नरक में भी धकेलना चाह रहे हैं, इनकी जिंदगी रुपया लेकर के बन गई और ये 200 आप गरीबों की मजबूरियों का मजाक उड़ा रहे हैं और नहीं, हम तो मदद करते हैं जनाब भाई जी, मैं आपके डिबेट में कल ऐसे व्यक्तियों को बिठा कहते हैं कि इसने हमको पैसे भी दिए हैं, आप लाइए किनको, इसने पैसे भी दिए हैं हमें, अरे इनके बापदादों ने, बापदादों ने जो है भगवान की पूजा कर करके इनको इनको भी इनकी माँ ने भगवान से मांगा होगा और ये आदि ईसाई बन गए, इनकी माँ ने वापिस आ गए, वो अपने धर्म में वापिस आ गए, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ जिसको जहाँ जाना जाओ वहाँ जाने, वहाँ जाओ यहाँ आना, रोज धर्म बदलो, आप ये नहीं बोल सकते, आप ये नहीं बोल सकते, आप जहाँ मर्जी जाओ आप नरक में जा रहे, पर आप उत्तराखंड में ये नहीं बोल सकते विनोद भाई कि बाइबिल पढ़ो ये तुम्हारा बाप का नहीं है, ये उत्तराखंड उत्तराखंड में यही बोल रहा हूँ, हाँ ये बाइबिल पढ़ो ये पढ़ाना पढ़ो ये अपने घर में बोलना, विश्वास करे विनोद जी, आप आखिरी समझदार थे अपने खानदान में, नवल भाई मुझे सिर्फ विनोद कुमार जी मुझे सिर्फ आपसे ये पूछना है कि अगर आपके प्रभु ईसा मसीह भगवान है तो उनको क्रूस पे क्यों टांगा गया, कील क्यों उनको ठोकी गई, क्या ऐसा कारण था, वो कील क्यों ठोकी गई, अगर आप उसके इतने परम भक्त हैं तो वो कील क्यों ठोकी गई, मुझे ये जवाब चाहिए, आपके पापों के लिए सीताराम रणकोटी जी, आपके पापों के लिए, ताकि आप अपने पापों की वजह से नरक में ना चले जाओ। अच्छा ठीक है, तो ऐसा करना हमारे पापों के लिए, तुम्हारे भी के लिए चप्पल हमको पड़ी, हमारे चप्पल और चप्पल उनको पड़ी, क्यों पड़े, आपको बचाने के लिए जीसस क्राइस्ट से ये सब, अरे पाप हमको, पाप हमने किया, हमने बता दिया उनको बचाने के लिए क्या ठोकेंगे वो अपने ऊपर, बताओ चप्पल तो पापी को, मुझे पता है चप्पल आपको, मुझे पूरी मानव जाति को बचाने के लिए, पूरी मानव जाति, अरे तुम मैं इतने सच्चे हो ना, चप्पल भी हमको पड़ने चाहिए,
देवभूमि में आप कह रहे ना, सुनो विनोद कुमार जी, आप एक वो बना दीजिए अपना, क्या चर्च बना के दिखा दीजिए जरा, अपनी जमीन में एक चर्च बना के दिखा दो आप जरा। मेरी बात सुनो, मैं चर्च बनाने में आगे चर्च बना के दिखा दो जरा वहां। सुनिए सीताराम राणा कोटी जी, मैं इंसान को चर्च बना देता हूँ। हाँ तो आप वहाँ बना के देखिए ना, विनोद कुमार जी आप प्रत्यक्ष रूप से सामने मिलो देवप्रयाग में एक बार, मिला प्रत्यक्ष रूप से मिलो तो सही। होली के दिन आप वहाँ पे नदी में अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहे थे, भूल गए आप, नशे में टल्ली हो रखे थे आप, और आप बात क्या कर रहे थे वहाँ पे बैठ के, वीडियो बनाए थे अगर शराब पी रहे थे। अच्छा अब मना कर दीजिए, हम लोग सीधे वास्तव में मुद्दों पे बातचीत करेंगे कि मुद्दा वास्तव में क्या है। तेरी किस्मत अच्छी रही कि तुझे सीताराम रणकोटी जी प्लीज, मुद्दे की बात हम लोग करेंगे। और लिख के देगा कि ये ईसाई धर्म का प्रचार नहीं करेगा यहाँ पे देवप्रयाग में भाई साहब, एक सेकंड तू नया वीडियो डाल के दिखा दे विनोद, चल अगर अपने बाप का तो नया वीडियो डाल के दिखा दे, चल अगर तो अपने बाप का तो नया वीडियो डाल के दिखा दे, ठीक है 10 दिन का एक नया वीडियो डाल के दिखा देना स्पेशल आ जाना। आप सभी देख रहे हो मुझे चैलेंज किया गया है, ये चैलेंज मैं पूरा करता हूं। आना और एक नया वीडियो, मैं भी साथ में रहूंगा, मुझे फोन करके आना कि मैं आ रहा हूँ उधर जरूर, ऐसा ही ये नहीं कि तू रात को आ रहे वहां से और अपने दो रिश्तेदारों को लेकर चले गया गाँव में। पीने के लिए बनाई गई है, तू क्या करने खाने में फिर नहीं, मैं विनोद कुमार को पूछ रहा हूँ, ये मुझे पता है क्या पी रहा है, कच्ची पी रहा होगा, ये भी कच्ची पी रहा होगा, मैं तो कुछ नहीं है, मेरे हाथ में तो गिलास नहीं है, कुछ नहीं है, तू उस शराब खाने में क्या करने गया था, तो मुझे बता दे विनोद कुमार, उस दिन फिर इसके साथियों पे मार भी पड़ी थी उस दिन वहाँ, और ये बच के भाग गया। मैं बच के नहीं भागा, वो तो उस दिन पब्लिक तुझे कुत्ता बना देती उसी कचरे में, अपने भगवान परशुराम से उतना ही गाड़ दी जमीन में रेत में तुझे, वहाँ आपके सामने आके खड़ा हुआ था, आपके सामने आके एक सेकंड विनोद भाई, विनोद भाई बोल, देखो विनोद भाई आप जो आप जिसको मानते हैं, ये भारत है, यहाँ सब कोई राम को मानता है, कोई शिव जी को मानता है, कोई भैरव को मानता है, जिसकी जो श्रद्धा जहां पर टिकी हुई है वो अपनी अपनी श्रद्धा पर मानता है, बिल्कुल। लेकिन एक चीज ये होती है कि प्रचार इंसान कब करता है, प्रचार आदमी आजकल कोई बीजेपी का कर रहा, कांग्रेस का कर रहा, या कोई प्रचार कब करता है, जब उसकी जेब में कुछ आता है। पहली बात सुनो, आप प्रचार कर रहे हैं और आप प्रचार आदमी कब करता है, जब उसकी जेब में कुछ आता है। आप किसी, मुझे ऐसा लगता है आपके चैनल के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ, सरकार को ये विनोद कुमार की सुध लेनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कोई एक बहुत बड़ी ईसाई मिशनरी जो है ये उत्तराखंड में घूम रही हो, और सरकार को इनके ऊपर ठोस कदम उठाना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जिनके अगर इनके अगर मैं एक सेकंड इनके माँ अगर इनके पिताजी को चैनल पे लाया जाए, अगर वो अगर ये नहीं बोल देंगे कि मैं राम को कृष्ण को मानता, तो आज इनसे मेरी गारंटी रही, सारा परिवार जो है वो हाथ के बनाए हुए ईश्वरों को छोड़कर सच्चे परमात्मा की उपासना करने लग गया है। अरे सच्चे परमात्मा तो तुम्हारे ईसाई, तुमको इतिहास थोड़ा खोलो ना, पहले इतिहास खोलो, इतिहास की रचना कहां से हुई। बोलना चाहता हूँ नवल जी, एक बात बोलना चाहता हूँ, इनके जवाब भी आ जाएगा। नहीं विनोद कुमार जी आपके पास मैं लौट रहा हूँ, आपके पास मैं आ रहा हूँ विनोद भाई ऐसा क्या कारण हुआ कि वर्षों से जो देवभूमि उत्तराखंड है उसकी जो सभ्यता संस्कृति उसका जो धर्म ये सारी चीजें थी उनको छोड़कर के सात समंदर पार
आपको जो है सात समंदर पार ईसाई धर्म अपनाना पड़ा, सात समंदर पार से आया हुआ ईसाई धर्म अपनाना पड़ा, आपको जीसस क्राइसिस को मानना पड़ा, आपको जो वास्तव में उत्तराखंड की पौराणिक जो परंपराएं थी, जो सनातन धर्म उत्तराखंड का जाना जाता है पूरे विश्व भर में, चाहे वो पांडव नृत्य हो, बगवाल बडवाल बगडवाल नृत्य हो, चाहे वो डौर थोकली हो, या फिर चाहे वो जो है तमाम तरह के जो हमारे वाद्य यंत्र हैं, चाहे वो हो, उन सबको छोड़ करके सात समंदर पार का जो एक वास्तव में यीशु मसीह का जो पूरा वो है, वो आपको क्यों मानने के लिए आपको किसने कहा ये सब, क्योंकि वास्तव में आप इसके प्रति आप प्रेरित हों और आप वहां जुड़ जाएं। ठीक है, अब देखिए पहली बात तो ये कि मैं उत्तराखंड की संस्कृति, वहां पर जो भी नृत्य और जो ढोल दमो मंदार, हम तो बहुत नाचते हैं शादियों में, अभी भी नाचते हैं, तो उन सब चीजों से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम है अंधविश्वास से, हाथ के बनाए हुए ईश्वरों से। एक बात बोलता हूँ ध्यान से सुनना, आपके ईश्वर में और मेरे ईश्वर में पता क्या फर्क है? आप अपने ईश्वर को अपने हाथ से बनाते हो, मेरे ईश्वर ने मुझे अपने हाथ से बनाया और सारी कायनात को बनाया है, समझ रहे? आपकी मर्जी, आप अपने ईश्वर के हाथ से बनाते हो ना, दो पैर बनाओ, चार पैर बनाओ, दस सिर बनाओ, आपके ऊपर आप जितना बनाए, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं होता। जिसको ईश्वर को मैं मानता हूँ उसने सारी सृष्टि को बनाया है। मुझे आप अपने आप को नहीं बचा पाया, मैं तेरे को हजार बार बोल रहा हूँ, मेरी बात सुन विनोद कुमार, विनोद कुमार पहले मेरी बात सुन ले, जो अपने आप को नहीं बचा पाया गलत शब्दों का प्रयोग ना करें प्लीज, गलत शब्दों का प्रयोग ना करें, समझ रहा साला? देखो भाई जी, इनके साथ ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, नहीं, गलत शब्दों का प्रयोग बिल्कुल इस प्लेटफॉर्म पर आप ना करें। आप बहुत ही शालीनता और सभ्यता के साथ जो भी आप, भाई जी एक बार बताइए, जो आदमी, जो व्यक्ति अपने आप को ना बचा पाया, जिसके ऊपर कीले ठुकी, मैंने आपसे विनोद कुमार जी एक ही सवाल पूछा कि उसके ऊपर कीले क्यों ठुके, उसने क्या किया था ऐसा, राम ने खुदकुशी क्यों, उसने ऐसा क्यों किया बताओ, उसके ऊपर कीले क्यों ठोकी गई? अरे राम ने कहा खुदकुशी करी, राम ने तूने पढ़ाई रामायण पहले भाई जी, उसके ऊपर कीले क्यों ठोकी गई? खुदकुशी कहाँ करी इनको मालूम है? राम ने कहाँ करी खुदकुशी, थोड़ा बताना तो क्या आप बताइए, राम जी की मृत्यु कैसे हुई बताइए? अरे राम ने खुदकुशी कहाँ करी पहले बताओ, नवाजी आइए इनसे पूछे जीसस क्राइस्ट की मां का नाम क्या था? आप बोल रहे उन्होंने खुदकुशी की, बड़े भाई विनोद कुमार जी, तो क्या किया बताइए, आप बताइए, ये खुदकुशी होती है नहीं? तो क्या होता? आप सर, क्या पता मेरे पास सही शब्द ना हो, आप बता दीजिए क्या है वो सही शब्द? अरे तुम राम को खुदकुशी होती तो आदमी अपने आप से करवाता है, क्या फायदा है? अगर तुमने राम को जाना होगा तो तुम आज तुम रुपये लेके अपने बाप को नहीं बदलते, जो तुम्हारे बाप दादा ने धर्म लिया, तुम राम को जानते ना? पैर में तीर लगा और कृष्ण जी, अरे तुम राम को जानते तो अपने बाप को नहीं बदलते, पानी में डूब के जिनको राम के विषय में मालूम नहीं है वो राम की बातें कर रहे हैं। तो सर आप बता दीजिए शंभू प्रसाद जी, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ विनोद भाई, पहले तुम ये बताओ तुम्हारे बाप दादा ने भगवान की पूजा, रामचंद्र की पूजा करी कि नहीं करी? बिल्कुल करी। अरे तो करी बाप, तो तुमने दादा ने किया ही नहीं किए। अब जो गलतियां हमारे बाप दादा ने की जरूरी थोड़ी हम भी दोहराए, हम पढ़े लिखे हैं। अरे तुमने, तुमको जिसने पैदा किया, जिसने तुमको ज्ञान दिया, तुम उन्हीं के आचार विचार पे नहीं चल रहे हो, जिन पर जिनके बाप दादों के, तुम अपने बाप दादों के आचार विचार पे नहीं चल रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, तुम अपने विनोद कुमार कहना नहीं मान रहे, अपना नाम क्यों नहीं बदला? तुमने भी अपना नाम जीसस क्यों नहीं रखा, क्रिश्चियन क्यों नहीं रखा, अल्बर्ट क्यों नहीं रखा? अपने लड़कों का नाम भी तुमने हिंदू रीति रिवाज से क्यों रखा? अपने लड़कों का नाम भी रख दीजिए, अल्बर्ट रख दो, जीसस रख दो, साइमन रख दो। विनोद जी आपके सिर्फ हरे, आपने अपने लड़कों का नाम भी हिंदू रखा, आपने अपने औलाद का नाम मिस्री ने दिया उत्तराखंड में, और सरकार को तुरंत इनका संज्ञान लेना चाहिए, और कुछ नहीं है ये, मैंने देख लिया जी, ईसाई मिशनरी आए तो बहुत बड़ा बड़ा जान काट के रख देंगे, काट के वहीं मिशनरी है, ये काटना यही तो प्रॉब्लम है, काट के रख देंगे नहीं? आप लोग अशांति जानते हो, मारकाट जानते हो, लेकिन बाइबल शांति सिखाती है, प्रेम सद्भावना सिखाती है। अंतिम कमेंट हम लोग ले लेते हैं, विनोद अपना अंतिम कमेंट आप दीजिए, वास्तव में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपके ऊपर आरोप पिछली बार भी लगे थे, अभी भी लगातार आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं,
कि आप धीरे धीरे उत्तराखंड के भीतर गांव गांव में आपके आसपास के जितने गांव हैं वहां जाते हैं, लोगों के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं। आपके ऊपर गंभीर आरोप है कि आप पैसे देकर लोगों से वीडियो बनवाते भी हैं और इसके अलावा उन्हें ईसाई धर्म की तरफ प्रेरित भी करते हैं, क्या कहेंगे अंतिम कब? देखिए, मैं हमारे देश के कानून का बहुत सम्मान करता हूँ। अगर हमारा, जैसा कि आपने बताया पुष्कर सिंह धामी जी जो कानून लेकर आए हैं उसमें 10 साल की सजा है, अगर मैं वास्तव में इस प्रकार का कोई काम कर रहा हूं तो वो तो दंडनीय अपराध है, और अगर ये अपराध साबित हो जाता है तो मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं। लेकिन अगर अपराध साबित नहीं होता, इसका मतलब अपने आप ये बात साबित हो जाती है कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जो कानून को तोड़ता हो, और अगर मैं बिना कानून को तोड़े यीशु मसीह का प्रचार कर रहा हूं और लोग उस पर विश्वास लेकर आ रहे हैं तो मैं आपसे बड़े गर्व से कहना चाहता हूं कि मैं मेरी अंतिम सांस तक यही काम करता रहूंगा। पूरा का पूरा उत्तराखंड मैं चाहता हूं कि वो यीशु मसीह पर विश्वास लेकर आए, और जितने भी उत्तराखंडी जो है इस वीडियो के जरिए मुझे देख रहे हैं मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक बार बाइबल पढ़कर देखिए, यीशु मसीह पर विश्वास करके देखिए, आपकी बदल जाएगी जैसे मेरी। विनोद कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। और लेकिन सीताराम रनकोटी जी का भी अंतिम कमेंट। सीताराम रनकोटी जी, आपने कहा कि मैं अंतिम सांस तक ईसा मसीह का प्रचार करूंगा, आप बिल्कुल करिए उसका प्रचार, लेकिन जहां हमारे सनातन धर्म और देवी देवताओं का, और जो ये बोल रहे हैं ना कि जीसस यीशु मसीह आमीन हुलालाला हुबा बाबा, तो आपने अभी कहा था ना, ये क्या कहा कि अंतिम सांस तक, अगर आपने कुछ देवी देवताओं के प्रति, उस नारायण की भूमि के प्रति, अब मैं इस वीडियो के माध्यम से कह रहा हूं, तो जिस जगह पे आप ये वीडियो ऐसा बनाएंगे, भगवान न करे वहां पे साक्षात कोई ऐसे देव नरसिंह प्रकट हो जाएं जहां पे आप उस समय अंतिम सांस ले, उसके बाद कोई प्रचार करने वाला ही ना बचे। नहीं, ऐसा कभी नहीं, क्योंकि हमारे देवी देवताओं में बहुत बड़ी शक्ति है, वो क्या करते हैं देखिए, सब्र करते हैं। राम जी ने 14 वर्ष का वनवास किया, पूरा बचपन निकल गया बुलाने के चक्कर में, कोई नहीं आया, तो अब आपका पाला पड़ गया है ना, अब आपका पारा पड़ गया है। उस समय मैंने आपके लिए कोई ऐसे शब्द नहीं कहे, लेकिन मैं ये आज भी कह रहा हूं, अगर आप अपने सनातन धर्म में पुनः वापसी नहीं करते हैं, पुनः वापसी नहीं करते हैं, तो वो क्षण आपके लिए बहुत बेकार होंगे। और याद रखना, आप अपने लाइव वीडियो में जरूर कहेंगे कि मैं अपनी सनातन संस्कृति में पुनः वापिस आ गया हूं। ठीक है, देखते हैं। ये मैं बोलता हूं कि आप, मैं जीसस क्राइस्ट पे विश्वास करता हूं, आप ये बोलेंगे या मैं ये बोलता हूं, ये भी समय बताएगा। हमारा तो एक ही बाप है, हमारा तो एक ही बाप है, हमने आज तक बाप नहीं बदला जी। धन्यवाद नवल भाई।